28 सितंबर 2011 को उत्तर प्रदेश के 3 नए जिलों में से एक के तौर पर सामने आया जिला संभल। संभल का एक समृद्ध इतिहास रहा है और ये क्षेत्र कई शासकों और सम्राटों का घर रहा है। प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महतगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में इसका नाम संभल पड़ा। संभल में बनने वाले हस्तशिल्प उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मशहूर है। यहाँ निर्मित किए जाने वाले हॉर्न बोन उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात भी किए जाते हैं। वास्तव में संभल के कारीगरों को विश्व स्तर पर बेहतरीन सजावटी सामान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। संभल में हस्तशिल्पियों की बनाई गई शानदार ज्वेलरी को सात समंदर पार विदेशी भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये दाम में कम और दिखने में आकर्षक होती है। संभल हड्डी सींग के डेकोरेशन से बनने वाली तमाम ज्वेलरी के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। संभल एक छोटा शहर भले है, लेकिन पर्यटन स्थलों में इसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। ऐतिहासिक मंदिर और मस्जिद हो या दूसरी इमारतें, कदम कदम पर यहाँ आपकी मुलाकात जर्रे जर्रे में बसे इतिहास से बड़ी आसानी से हो जाती है। आइए जानते हैं यहाँ के समृद्ध इतिहास के बारे में। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में संभल से करीब 7 किलोमीटर दूर संभल मुरादाबाद मार्ग पर ईस्वी सन 1650 से 1655 के बीच संभल की सोत नदी के किनारे सैयद फिरोज ने किला बनवाया। सैयद फिरोज शाहजहां के शासनकाल में संभल क्षेत्र के गवर्नर रहे रुस्तम खान दिखिनी के फौजी हुआ करते थे। उन्हें शाहजहां ने सोत नदी के किनारे संभल में 1000 बीघा जमीन दी थी, उसी पर किला बनाया गया। ये किला ASI द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। किले का द्वार मौजूद है जो मुगल कालीन स्थापत्य कला की याद दिलाता है। संभल से करीब 14 किलोमीटर दूर सौंधन में मुगल शासक शहंशाह शाहजहां के शासनकाल में संभल के तत्कालीन गवर्नर रुस्तम खान दिखनी ने भव्य किले का निर्माण कराया था। तब बदायूं से दिल्ली जाने के लिए सौंधन आदमपुर होते हुए एक सुरक्षित मार्ग हुआ करता था। सैनिक इसी मार्ग से गुजरा करते थे और सौंधन का किला उनका पड़ाव होता था। किले का द्वार आज भी अतीत की बुलंद कहानी को बयां करता है। संभल नगर से 3 किलोमीटर दूर संभल गवा मार्ग पर एक कब्र है। लोक मान्यता में ये कब्र तोता मैना की मोहब्बत की निशानी के तौर पर प्रसिद्ध है। कब्र को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। संभल के इतिहास पर शोध करने वाले फुरकान संभली के मुताबिक उन्होंने कब्र पर लिखी इबारत पढ़ी है। इसमें एक तरफ आयतल कुर्सी लिखी है, एक तरफ दुआ और एक तरफ कब्र के बनने का समय हिजरी 939 लिखा हुआ है। तोता मैना की कब्र के करीब ही दर्शनीय स्थलों में बावड़ी है। बावड़ी में सीढ़ी से उतरकर नीचे तक जा सकते हैं, हालांकि इस स्थान को संरक्षित करने की जरूरत है। वहीं संभल जिले के चंदौसी में 5 दशक से भव्य गणेश मेले का आयोजन किया जाता है। मेले को देखने के लिए देश विदेश के लोग उत्सुक रहते हैं। हर साल तमाम विदेशी भी मेला देखने आते हैं। मेले में झांकियों के साथ निकलने वाली रथ यात्रा आकर्षण का केंद्र रहती है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।